सो नेक्स्ट टॉपिक इज होइबन होश रिएक्शन. होइबन होश रिएक्शन ये जो गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है बिल्कुल सेम इसी तरह है, सिर्फ इसका कंपैरिजन क्या है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है HCN, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिथाइल साइनाइड, यहाँ पे हमने सिंपल फिनोल यूज़ की है, यहाँ पे हमारे पास पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स होती हैं जिसमें सारी के सारे OH ग्रुप दे आर प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. जैसे ये OH है ऑर्थो मेटा, तो ये जो पॉलीहाइड्रिक फिनोल है इसमें तीनों OH ग्रुप एक दूसरे से मेटा पोजिशन पे हैं. ओवरऑल इधर भी कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था, CHO ग्रुप, तो यहाँ पे भी ओवरऑल क्या हमारे पास आएगा, यहाँ पे CHO ग्रुप है तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होएगा, CH3CO ग्रुप, राइट. अब देखते हैं, दिस इज पॉलीहाइड्रिक फिनोल, हमने वहाँ पे यूज़ किया था HCN, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मिथाइल साइनाइड, HCl कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इधर भी कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड. तो यहाँ पे हमारे पास बना था एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड, एल्डिमिन इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगना है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा केटीमाइन क्योंकि हमारे पास कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, कीटोन, CH3CO, हमने वाटर के साथ बॉयल किया, वाटर के साथ बॉयल किया वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस, यहाँ पे कीटोन. बाकी स्टेप्स अगेन सेम, पहले स्टेप में HCN और HCl, मिथाइल साइनाइड HCl, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा, अटैकिंग रिएजेंट जैसे यहाँ पे बना था इस केस में. नेक्स्ट ये जो मिथाइल साइनाइड है विद कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है, जाएगा कौन सी पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे, अगेन हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाएगा दिस वन, और यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस. सो ये इसी की मॉडिफिकेशन है, सिंपली हमने HCN की जगह पे मिथाइल साइनाइड यूज किया है जिस वजह से हमारे पास CHO ग्रुप ने CO CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है. सो दैट्स ऑल अबाउट होइबन होश रिएक्शन.